नमस्कार दोस्तों, पवन वाई गढ़ में आपका स्वागत है। आपको लग रहा होगा ये क्या भैया, पीडब्ल्यू लाइव और पवन वाई गढ़ में एक ही चैनल है। पवन वाई गढ़ में हमारा मेन चैनल है और ये हमारा सेकंड चैनल है जहां पर हम कॉमर्स के वीडियो भी डालते हैं और जहां पर हम लैंग्वेजेस के वीडियोज डाल रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए माफी चाहूंगा। मेरे कुछ पर्सनल इशूज थे, मेरे एक रिलेशन में बहुत करीब के जो मेरे रिलेटिव, उनकी डेथ हो गई और फिर हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे हमारे लिए कुछ नहीं, अगला जो अपडेट आ रहा है उसके अंदर आपका 11th का और 12th का जो जो वीडियोस मैंने अपलोड किए कॉमर्स के, वो धीरे उसमें आ जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे भले ही नहीं आए, लेकिन हाँ वो आ जाएंगे, उसके अंदर आप चिंता मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। हम करते हैं अपना क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है, कमीशन वाला जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है हमारा मैथ सेकंड का, वो है हमारा कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैंने वो सारे लाइव सेशन लिए थे और अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपको एडिटेड वीडियो ही दूँ, क्योंकि एडिट करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लाइव आकर मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि लाइव में वो मजा नहीं आता जो एडिटेड वीडियो में आता है ना। तो एडिटेड वीडियो का मजा लेने के लिए मुझे लगता है कि आपको एडिटेड वीडियो ही देना पड़ेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता, हम एक्सरसाइज फर्स्ट कर रहे थे अपनी इस चैप्टर की 1.1, और उसके हमने 11 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम पहुंचते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन क्या है भाई, 12वां क्वेश्चन ये देखे रखा है कि अब बुक सेलर रिसीव्ड 1530 एज द 15% कमीशन ऑन द लिस्ट प्राइस। व्हाट इज द लिस्ट प्राइस, मतलब कमीशन मिला है इतना और ये कमीशन का रेट क्या है, वो है इतना। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा है। एक बुक सेलर है, उसको 15% कमीशन मिला, लेकिन कितना मिला है वो 1530 मिला है, 15% है 1530। तो उसका मेन वो बोल रहा है लिस्ट प्राइस क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले करते समय हमको लिखना होता है कि सपोज लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स इज एक्स रुपीज। एक्स रुपीज जो है वो लिस्ट प्राइस है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद में सिंपल तरीके से यहां आपको लिख लेना है, यहां क्या देके रखा है, कमीशन कितना देके रखा है आपको, कमीशन देके रखा है दैट इज 15%, है ना। कमीशन का रेट है ये, कमीशन परसेंटेज लिखो ज्यादा बेटर होगा, या रेट ऑफ कमीशन लिखो 15%। और कमीशन मिला कितना, कमीशन कितना मिला, कमीशन मिला है 1530। अब यार मुझे एक बात बताओ, ये जो कमीशन जो मिला है इस भाई साहब को, वो इस एक्स रुपीस के ऊपर ही मिला है ना, है ना। तो लिखो यहाँ 15% ऑफ एक्स जो है वो 1530 है। बस सिंप्लीफाई कर लो इसको, और कुछ भी नहीं है, मतलब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना। 15/100 कर लो, इंटू एक्स कर लो, और ये 1530 कर लो, तो एक्स क्या हो गया 1530 इंटू 100 अपॉन 15 कर लो। अब इसको डिवाइड कर लो, 15 वन ज़ा 15 फिर बचेगा 3 आ रहा डायरेक्ट, तो 0 ये हो गया 102, तो x क्या आ गया 102 इंटू 100, तो लीस्ट प्राइस क्या आ गई, वो आ गई ₹10,200। ठीक है ना, इस तरह से इसको करना है, ये आपका आंसर होगा। आपको आखिरी में स्टेटमेंट लिखना है, द लीस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स आर 10,200। ऑन द मार्क्ड प्राइस, मतलब जो प्राइस प्रिंट होती है ना, वो वाली प्राइस, मार्क प्राइस जो प्राइस है उसके ऊपर 8% डिस्काउंट, एंड फर्दर 4% कैश डिस्काउंट, 4% का कैश डिस्काउंट भी दिया है। तो देखा जाए 12% दिया है, तो हम क्या करेंगे, 12 प्लस करके निकाल देंगे, जी नहीं। वो ऐसा है कि 100 रुपए की चीज है, तो 8 रुपए कम किया 92, फिर 92 का और 4% कम किया, तो 9 चौक 36, 3.6, और ये ऊपर के जो 2 रुपए है उसका भी और 4%, तो उसका 4% वो क्या होगा 0.8 होगा, 0.08, तो उनको मिला के हमको करना पड़ेगा। तो ना मतलब ये डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट है, आपको कंबाइन नहीं करना है, ठीक है। तो रिटेलर ने क्या किया, एक सूट को सेल किया है 8,832 में, 8% का डिस्काउंट है, बाद में उसको
4% का कैश डिस्काउंट भी दिया है, ही मेड 38% प्रॉफिट। अब ये बात की बात है, ये प्रॉफिट जो किया वो बात की बात है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम उसकी जो मार्क प्राइस पहले निकालते हैं ना, ये बोलता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, पहले मार्क प्राइस निकालते हैं। तो यहां लिखो सपोज मार्क्ड प्राइस ऑफ सूट इज एक्स रुपीज, कितना दिया डिस्काउंट उसने, डिस्काउंट 8% का दिया, डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया है 8% ऑफ एक्स, मतलब 8x upon 100, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि अब ये 8% का डिस्काउंट है, तो यहाँ फर्स्ट जो कंडीशन आएगी, ओके, तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट लेने के बाद में प्राइस क्या आएगी, तो x माइनस 8x upon 100 आपको लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 92x upon 100। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, बहुत सिंपल बेटा, देखो ध्यान से, थोड़ा एक स्टेप ज्यादा कर दे तो भी चलेगा, है ना। यहाँ एक लाइन खींच लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ 100 का 100 मल्टीप्लाई कर दो, 100x minus 8x, और ये 800 है, सॉरी 100 है, तो 100 में से 8x गया, 100x में से 8x गया, तो 92x और अपॉन का 100 आ गया, ठीक है ना। तो ये एक काम हो गया हमारा फर्स्ट प्राइस के बाद में, यह लिखिए आफ्टर प्रोवाइडिंग 8% डिस्काउंट शॉपकीपर और रिटेलर प्रोवाइडेड 4% कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट निकाल लो, कैश डिस्काउंट कितना है, 4% ऑफ 92 upon 100 इंटू एक्स, इसका आपको लेना पड़ेगा, बात ध्यान रखना, ये तो आप सोचोगे ये क्या कर दिया सर, इसका ये जो आया ना इसका 4% निकालना है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट है, 4 upon 100 इंटू 92x upon 100, तो 9 6 36 और ये 8 हो गया, 368x upon 10,000, तो ये आएगा 0.0368x, ये आ गया कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। तो प्राइस आफ्टर टोटल डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर बोथ डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट प्रोवाइड करने के बाद में प्राइस क्या आई, तो पहले के बाद में 92 upon 100 था, मतलब वो क्या था, वो आपका 0.92x था, उसमें से आप 0.0368x माइनस कर रहे हो, तो 0.9200 और 0.0368, तो ये 2 हो गया 3 हो गया 4 चलेगा, तो ये 8 हो गया, ये यहाँ पर है 8 हो गया, ये 0.8832 हो गया, तो लिखो यहाँ 0.8832x, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर आपको देखना है कि टोटल डिस्काउंट जो भी है, ये आपका यहाँ एक वैल्यू, ये क्या हो गया प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ये प्राइस आफ्टर डिस्काउंट किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। सो लिखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला जो प्राइस है, ये जो ऊपर मैंने हाईलाइट करके रखा, ये वाला दिस वन है ना, 8832, ये दोनों इक्वली आएंगे, क्यों इक्वल आएंगे, क्योंकि मैं इसको एक्स लेके चल रहा था, ये दोनों आपस में ऑलमोस्ट इक्वल आ गए, ठीक है ना, तो इन दोनों को इक्वल लिख लो, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखो 0.8832x = 8832, इसको हटा दो, नीचे 4 जीरो लग जाएंगे, तो x किसके इक्वल आ गया, 8832 इंटू 10,000 अपॉन 8832 कट गया, तो x के क्या हो गया 10,000 हो गया, ठीक है। ये आपका एक काम हो गया, एक काम करते हैं, इसको उठा के मैं इस साइड लिख लेता हूँ। अभी देखिए अभी एक काम हमारा हुआ है, अभी दूसरा काम बचा है, ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसने 38% का प्रॉफिट कमाया है, तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है क्या, जी नहीं, हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं, तो लेट्स से कि सपोज कॉस्ट प्राइस जो है वो m रुपीज है, ओके, तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस
प्लस प्रॉफिट के इक्वल होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के इक्वल होती है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमने एम सपोज कर ली, 38% ऑफ एम हो गया, और ये कितना है सेलिंग प्राइस, कितना है सेलिंग प्राइस है 8832, तो 8832 यहाँ आ गए, 8832 ये एम, ये 38/100 एम, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 8832 × 100 आ जाएगा, और ये 138, ये 138 एम आ जाएगा। तो आपको डिवाइड करना है, दैट इज 8832 × 100/138 = m। तो जब आप इसको काटते हो तो आपको 64 मिलेगा, तो m आपका 6400 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका m का वैल्यू, मतलब ये क्या है इसका, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया 6400, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आंसर मैच करता है, आप जाके देख सकते हैं 6400 एक कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये है x जो है इसका लिस्ट प्राइस है, मतलब मार्क प्राइस है। तो हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली है, ये एक आंसर है और ये एक आंसर है, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से कर लो। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने मार्क प्राइस सपोज कर लिया ₹100, उस पर पहले हमारा 8% का डिस्काउंट दिया, फिर जो प्राइस है उसके ऊपर और 4% का डिस्काउंट दिया, और वो एक्चुअल प्राइस निकाली, सेलिंग प्राइस, प्राइस आफ्टर बोथ द डिस्काउंट, उसको इक्वल रख दिया 8832 से, ठीक है ना, उसको इक्वल रख दिया 8832 से, जैसे यहाँ देखे रखा है, एक मिनट रुको। और उसके बाद में ये एक काम हो गया था, उसके बाद वो बोलता है कि 38% का डिस्काउंट प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट कितना था 38% का, तो इसी के लिए 38% का प्रॉफिट जो उसने कमाया है, तो यहाँ लिख दिया मैंने कि भैया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 38% का है, ये इसीलिए लेके रखा है, और उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, 14th क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। क्या बोलता है, एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिटर If he sells goods worth ₹37,200, तो कुल मिला के 12% का उसको कमीशन मिलना है। Find his total earning, तो पहले उसका कमीशन, ओके देखो यहाँ कि टोटल सेलिंग कितनी है, टोटल सेलिंग निकालनी है सबसे पहले, टोटल सेलिंग जो देके रखी है, सॉरी वो हमको ऑलरेडी देके रखी है 37,200। अब इसके ऊपर पहले हमको कमीशन देके रखा है, इसके ऊपर कमीशन निकालना है, कितना है 10% of 37,200, तो 10% मतलब 10/100 × 37,200, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया ₹3,720। फिर क्या बोलता है आगे 2% का डेल क्रेडिटर क्या होता है, ये आगे का कुछ एग्रीमेंट होता है कि भैया इतना तो और देंगे आपको, है ना, कुछ तो कुछ ऐसा वो होता है कि इसके बाद में दिया जाएगा, तो 2% का उनका डिसाइड हुआ होगा कि 2% वो भी लेंगे, ओके तो यहाँ पर लिख लीजिए डेल क्रेडिटर क्या है, डेल क्रेडिटर ये देखे रखा है, दैट इज 2% ऑफ 37,200 निकालना, 2% बोला तो 2% निकालेंगे जो वो है, तो 2/100 × 37,200, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, तो अब क्या आएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई 4, 14 का 4 हाथ का 1 और 1 7, ₹744 ये मिल गए। तो टोटल अर्निंग कितनी हो गई, टोटल अर्निंग दोनों को ऐड कर लो, कमीशन को प्लस डेल क्लेडर को, पूरा स्टेटमेंट लिख लेना, 3720 और 744 आपको साइड में लिखना है, मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दे रहा हूँ, ये 4, 6, 14, 4, 4, 6, 4, ओके 4464 इस तरह से आएगा। तो एजेंट्स टोटल अर्निंग आपको ऐसे लिखना है, टोटल अर्निंग ऑफ एजेंट्स टोटल अर्निंग That is rupees 446, बस ये इसका आंसर है, ठीक है, बस स्क्रीनशॉट ले लो भैया, बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी नहीं है। A wholesaler allowed 25% trade discount and 5% cash discount. What will be the net price of the article marked ₹1600? तो marked price क्या देके रखी है, वो देके रखी ₹1600 और उसके ऊपर दो बार डिस्काउंट दे रहा है। अभी हमने देखो डिस्काउंट थोड़ी देर पहले किया था, पहले डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आई उसमें से दूसरा डिस्काउंट और माइनस करता था, तो पहले 25% डिस्काउंट निकाल लो, है ना, तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना बोला है, वो डिस्काउंट वो है 25%, किसका 25%, ₹1600 का, वो क्या 400 आएगा, 25% ऑफ 1600, भाई 25% आधा होता है, 50% आधा होता है, मतलब 1600 का आधा 800 और 800 का और आधा कर दो तो 25% पे आ जाएगा, है ना,
50% बोलता है तो आधा होता है, 25% बोलता है तो 1/4 होता है, तो ही कितना हो जाएगा 25/100 × 1600 है ना, तो क्या होगा ये 4 टाइम काट दो उसको 400 कट जाएगा, ये प्राइस 400 आ जाएगी। तो फर्स्ट डिस्काउंट 400 रुपए, तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या हो गई, 1600 में से 400 माइनस कर ली तो 1200 रुपए आ गए। अब भाई क्या बोलता है, और 5% का कैश डिस्काउंट दिया, लिखो यहाँ कैश डिस्काउंट क्या है, तो वो 5% का है, 12×5=60, 60 रुपए और कम हो जाएंगे, ठीक है ना, 5% ऑफ 1200, तो 5/100 × 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 60 रुपए का, तो एक्चुअल प्राइस, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट तो 1200 में से और 60 रुपए माइनस कर लो, 1140, 1140 रुपए में जो सेलर है वो बेचेगा और खरीदने वाला खरीदेगा, ठीक है, हो गया भैया, ऐसे ही करना है, सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों इस तरह का आज का हमारा वीडियो था, यहाँ पर हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, कल हम अगले एक्सरसाइज का बेसिक और अगले एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, और मैं आपको हर दिन एडिटेड वीडियो दे जाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन जमते हैं उतने करते चले जाएंगे, और साथ ही में मुझे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के लिए और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, तो मैं वो भी चालू करता हूँ, लेकिन मैं सब आपको ये है छोटे छोटे वीडियो ही दूंगा, आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं छोटे छोटे वीडियो दोनों के बनाते चलता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे बनो एकेडमी, धन्यवाद।